नमस्कार दोस्तों, फिश इन्फो चैनल की और एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं IMC के बारे में बताने वाला हूं, जिसमें रेहू, मिरी, कातल ये तीन तरह का मछली को IMC के श्रेणी में गिना जाता है और इस मछली को किस तरह से आप पहचान सकते हैं, इसका पहचानने का तरीका क्या है, इसके बारे में बताने वाला हूं। और ये वीडियो बनाने का मकसद है, मेरे पास बहुत दिनों से कॉमेंट आ रहा था दादा IMC का जो मछली है जैसे रेहू मिरी कातल इसको किस तरह से पहचाना जा सकता है, डिटेल में थोड़ा वीडियो बना के दीजिए, तो इसीलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों जानते हैं IMC में रेहू, मिरी और कातल मछली को आप बहुत आसानी से किस तरह से पहचान सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं रेहू मछली के बारे में। इसका बॉडी का आकार की बात करूं तो इसका बॉडी का आकार कुछ गिल्ली जैसा है, यानी बचपन में हम लोग जो गिल्ली डंडा खेलते थे उसमें जो गिल्ली होता था, गिल्ली का जो दोनों साइड है वो पतला होता था और बीच में मोटा, और रेहू मछली के बॉडी का आकार भी कुछ ऐसा ही है, गिल्ली जैसा ही देखने को मिलता है। आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि गिल्ली जैसा दोनों साइड से पतला और बीच में जो इसका चौड़ाई थोड़ा ज़्यादा है। इस तरह से बहुत आसानी से रेहू मछली को पहचान सकते हैं। दूसरा तरीका है इस मछली का बॉडी का कलर। दोस्तों इस रेहू मछली का कलर के बारे में बात करूं तो इसमें कलर जो है वो थोड़ा हल्का लाल दिखता है। असल में ये ज़रूरी नहीं है सब मछली लाल दिखे, कभी कभी काला कलर का रेहू मछली भी दिखता है। आप यहाँ पे देख रहे हैं वीडियो में जो रेहू मछली है इसका कलर दिखिए, इस मछली का रंग जो है वो लाल के साथ साथ काला रंग ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है, इससे जो है इसका कलर में अंतर पड़ रहा है। जैसे कि हम लोग जानते हैं लाल में होता है, लेकिन यहाँ पर देखिए लाल के साथ साथ ये काले रंग में आ रही है। नेचुरली बात करूं तो रेहू मछली का कलर जो है वो लाल रंग में ही आता है, काला रंग में बहुत ही कम दिखता है। तो ऐसी बहुत आसानी से लाल कलर के कारण रेहू मछली को पहचाना जा सकता है। इसके अलावा भी इसको पंख के आसपास अगर आप देखेंगे तो इसमें लाल जो है एक कलर आपको देखने को मिलेगा, इससे भी आप रेहू मछली को पहचान सकते हैं। और एक तरीका है कि इस मछली का जो शेल है, शेल को भी आप देख सकते हैं। इसका शेल में जो है थोड़ा लाल कलर में दिखेगा और लाल कलर का साइड में जो है वो आपको चांदी का जैसा धब्बा देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ थोड़ा भूरी रंग का मिश्रण भी हमें देखने को मिलता है और इसका शेल का साइज जो है, बनावट जो है वो कुछ कुछ इंद्रधनुष जैसे शेप का होता है जो राउंड में दिखता है। तो आप भी बहुत आसानी से इस तरह का शेल को भी देख के रेहू मछली को पहचान सकते हैं। इसके अलावा भी इस मछली का बॉडी का तुलना में इसका मुंह का आकार काफ़ी छोटा होता है और खुले हुए मुंह जो है वो इस तरह से दिखता है, गोल्ड राउंड जैसा दिखता है, जिससे आप बहुत आसानी रेहू मछली को पहचान सकते हैं। इसके अलावा भी जब इसका मुंह बंद रहता है तो नीचे की तरफ मोड़ा हुआ रहता है जो कि इस तरह से दिखता है, तो इस चीज़ को देख के भी रेहू मछली को आप बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। इसका मुँह का आकार प्रकार जो है वो इस तरह से दिखता है। इस मछली का पेट के साइड का बात करूं तो ये बिल्कुल ही सफ़ेद चमकीला रंग में देखने को मिलता है और इसका बॉडी का कलर जो है वो बिल्कुल ही लाल कलर में आता है, लेकिन पेट का साइड जो है सफ़ेद रहता है। इस चीज़ से बहुत आसानी से आप रेहू मछली को पहचान कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ ऐसी है जिससे बहुत आसानी से आप मछली को पहचान कर सकते हैं, लेकिन मैं आशा करता हूँ मैं जिस तरह से बताया इस चीज़ को देख के ही आप बहुत आसानी से रेहू मछली को पहचान कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी बढ़ते हैं मिरीगल मछली की तरफ, जिसको हम लोग नैनी मछली के नाम से जानते हैं। वो असल में कैसा दिखता है और उसका आकार प्रकार और आप किस तरह से उस मछली को पहचान सकते हैं, तो जानते हैं मिरी मछली के बारे में। ये मछली बाकी दूसरे मछली से बिल्कुल ही अलग है। इस मछली का बॉडी का आकार के बारे में बात करूं तो इसका बॉडी का आकार काफ़ी लंबा टाइप का होता है, जहाँ पे चौड़ाई इसका बहुत ही कम है, लंबाई में यह ज़्यादा होती है। इसका पंख की तरफ आप देखेंगे तो बॉडी की तुलना में इसका पंख जो है काफ़ी बड़ा बड़ा होता है, तो इस तरह से मिरी मछली को पहचाना जा सकता है। इसके अलावा भी इसका मुंह के आसपास अगर आप देखेंगे तो मुड़ा हुआ नीचे की तरफ है और इसका मुँह का जो साइज है वो थोड़ा चौड़ा टाइप का होता है, और जहाँ पे मैंने रेहू मछली को दिखाया था वो गोल टाइप का था, तो इसका चौड़ाई और नीचे की तरफ मुड़ा हुआ है, इसके वजह से इस मछली को आप पहचान सकते हैं। इसके अलावा भी इस मछली का सर का साइज से ही इसको पहचाना जा सकता है। इसका साइज अगर आप देखेंगे बॉडी के साथ एकदम सीधा जैसे सुई जैसा निकलता हुआ आगे की तरफ जा रहा है, इस माथे का साइज के वजह से इस मछली को बहुत आसानी से पहचाना जा सकता है। इस मछली का माथे का साइज चौड़ाई में कम और लंबाई में ज़्यादा दिखता है और साइज थोड़ा बड़ा भी होता है। मिरी मछली की बॉडी के शेल
के बारे में बात करूँ तो इसका बॉडी का शेल जो है बिल्कुल चमकीली होती है। अगर आप पीठ के ऊपर की साइड देखेंगे तो उसमें काला काला धब्बा थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा और बाकी जो बॉडी है वो बिल्कुल ही चमकदार होता है, जैसे कि चांदी का कलर होता है। सेम टू सेम इस मछली का कलर भी इस तरह से ही दिखता है, तो आप इस कलर के वजह से भी इस मछली को बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये जो कुछ तरीका मैंने आपको बताया मिरिक मछली पहचान करने के लिए, तो इससे बहुत आसानी से आप मिरिक मछली को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दोस्तों अभी मैं आपको जो मछली को आइडेंटिफाई करने के लिए बोलूँगा किस तरह से पहचानेंगे, वो मछली का नाम है कातल मछली। ये मछली साइज के वजह से काफ़ी पॉपुलर है और हर कोई इस मछली को फार्मिंग करना भी पसंद करते हैं और खाना भी पसंद करते हैं, इसीलिए इस मछली को जो कोई भी देख लेता है वो पहचान जाता है ये कातल मछली है। फिर भी मैं इस वीडियो में कुछ डिफरेंस जो है दूसरे मछली से इस मछली का डिफरेंस जो है वो बताने का कोशिश करूँगा। कातल मछली ऐसा एक मछली है जिसको हर कोई पसंद करता है। दोस्तों इस मछली का होठों की तरफ देखिए, इस मछली का पहचान करने का एक तरीका है, इसका होठों का ऊपर का जो हिस्सा है वो काफ़ी पतला रहता है और नीचे का जो हिस्सा है वो काफ़ी मोटा है। आप देख ही सकते हैं दोनों में हिस्से में जो है काफ़ी फर्क आपको देखने को मिलेगा। इस मछली का आँखों की तरफ आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि इसका आँखों का आकार जो है काफ़ी बड़ा है। दूसरा मछली के तुलना में इस मछली का आँखों का साइज भी काफ़ी बड़ा रहता है और कलरफुल भी रहता है। इस मछली का सर के तरफ आप देखेंगे तो बॉडी के तुलना में इसका सर का साइज काफ़ी बड़ा होता है और सर जो है वो बॉडी के अंदर की तरफ घुसता हुआ आपको नज़र आएगा, जिससे इस ये मछली बहुत आसानी से दूसरा मछली से अलग दिखती है। इसका फैला हुआ मुंह की तरफ अगर मैं दिखाऊं तो इसका मुंह का आकार जो खुलने के बाद काफ़ी बड़ा होता है। इसका भी एक रीज़न है दोस्तों, ये मछलियाँ ज़्यादातर मामलों में प्लांटन के ऊपर निर्भर रहती है। इसका मुँह का आकार बड़ा होने से प्लांटन को ज़्यादा खींच पाती है, इसीलिए आप देखे होंगे जब भी ये मछलियाँ पानी में रहती है वो पानी को ज़्यादा खींचती है, यानी प्लांटन ज़्यादा खींचती है, इसके वजह से इसका मुँह का आकार काफ़ी बड़ा भी रहता है। तो इस तरह से आप कातल मछली को पहचान सकते हैं। इस मछली का बॉडी का कलर के बारे में बात करूँ तो ये भूरी काली रंग में आती है और इसका बॉडी का शेल जो है काफ़ी बड़ा बड़ा होता है। आप ये देख ही पा रहे हैं इसका शेल का साइज जो है काफ़ी बड़ा है और भूरी कलर में है। पेट के नीचे की तरफ थोड़ा हल्का सफ़ेद भूरी का रंग रहती है, जिससे इस मछली को आइडेंटिफाई करने में काफ़ी मदद होता है। इसका शेल का बनावट भी बहुत ही अजीब तरह से दूसरा मछली से बिल्कुल ही अलग दिखता है। इस मछली का बॉडी के बारे में बात करूं तो इसका जो पूंछ है वो काफ़ी पतला रहता है, बहुत ही मोटा नहीं होता है और इसका पीठ का हिसाब से इसका पीठ का चौड़ाई काफ़ी बड़ा होता है, लेकिन इसमें मछली में मोटाई कम होती है। ये थोड़ा चिपटा टाइप का मछली है, चिपकने वाली जैसी लगती है, जो पतला टाइप का मछली है, तो इस चीज़ से आप कातल मछली को पहचान कर सकते हैं। इसके बाद आप इस मछली को का जो पूंछ है या पंख है इसके तरफ अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप पाएंगे कि इसका पूंछ पंख जो है बिल्कुल ही काला रहता है। इसका काली रंग कलर के जैसे भी आप इस मछली को पहचान कर सकते हैं। देखिए इसका पूंछ और जो का कलर है वो बिल्कुल ही काला है, तो ये एक आइडेंटिफाई करने का तरीका है। और कातल मछली को ज़्यादा बोलने का ज़रूरत नहीं है, इसके बारे में ज़्यादा बताने का ज़रूरत नहीं होता है, हर कोई इस मछली को बहुत आसानी से पहचान जाते हैं। छोटा मछली हो या बड़ा मछली हो, आप ये देखेंगे तो आपको तुरंत ही पता चलेगा ये कातल मछली है, क्योंकि ये दूसरा मछली से बिल्कुल ही अलग दिखता है, कभी भी नहीं मिलता है। कोई कोई मछली होता है एक दूसरे से मिल खा जाती है, लेकिन कातल मछली का बॉडी का साइज आकर प्रकार जो है वो मिलता नहीं है। और रेहू मछली, ये छोटा साइज का रेहू मछली है, आप देख सकते हैं इसका आकार जो है मैंने जो बताया उस तरह से छोटा मछली भी इस तरह से दिखता है, लेकिन छोटी साइज मछली बहुत आसानी से आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता है। इसके लिए थोड़ा ध्यान से आपको नज़दीक से मछली को देखना होगा तो आप बहुत आसानी से इस तकनीक से सारा मछली को पहचान कर सकते हैं। दोस्तों और एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना और किस तरह का वीडियो आपको चाहिए वो भी मुझे कॉमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मैं सुब्रत चौहान आपसे विदा लेता हूँ।